नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक को तो हर कोई जानता है। घर घर में फेमस हो चुके नैतिक ने लोगों के दिल में एक अच्छी छवि बना ली थी और सीरियल में रिश्तों को कैसे संजो कर रखते हैं इसको भी बखूबी दिखाया था। लेकिन शायद असल जिंदगी में करण मेहरा रिश्तों को निभाने में चूक गए हैं और यही वजह है जो कपल कभी मशहूर जोड़ियों में शामिल हुआ करता था आज उसकी शादी टूटने की कगार पर है। देखिए ये रिपोर्ट। एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक। करण टुक ऑल माय ज्वेलरी। पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया। इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा जो कपल हमेशा हंसता खेलता हुआ नजर आता था आज वो इस मोड़ पर खड़ा होगा। दरअसल कई दिनों से ये बात उठ रही थी कि करण मेहरा और निशा रावल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब पूरी बात जग जाहिर है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। निशा ने खुलासा किया है कि करण का दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वहीं करण ने जमानत मिलने के बाद दावा किया है कि निशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। 31 मई की रात को निशा ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में करण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। निशा ने बुधवार शाम को अपने घर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें निशा ने कई आरोप करण मेहरा पर लगाए। निशा ने कहा कि हाँ 2014 में पता चला था कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन मैं साइको नहीं हूँ। क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो बहुत अननेचुरल नहीं है। किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से। सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट। मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल। शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा। उसको लगेगा लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो हाउएवर। And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान निशा ने अपनी दो तस्वीरें भी दिखाई, जिसमें एक फोटो में उनकी आंख पर निशान नजर आया और दूसरी फोटो में उनके सर से खून बहता दिखाई दिया। उन्होंने कहा ये सब मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे भी कैमरे के सामने जाना है। मैं नहीं चाहती कि एक दिन मेरा बच्चा बड़ा होकर कहे कि माँ तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए था, मैं उसके सामने गलत उदाहरण नहीं रखना चाहती। हालांकि करण मेहरा ने मीडिया के सामने आकर ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। निशा के सर पर जो चोट लगी है उसे भी करण ने कहा कि वो निशा ने खुद को चोट पहुंचाई है। बता दें कि करण मेहरा और निशा के रिश्ते को 14 साल हो गए हैं। 9 साल पहले दोनों ने शादी की थी और उससे 5 साल पहले से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अभी दोनों का एक बेटा काविश भी है। लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाली बात है। खैर, हर कहानी के 3 पहलू होते हैं। जैसे इस कहानी में एक पहलू निशा का है, एक करण का है और आखिरी पहलू सच का है, जिसे अभी कोई नहीं जानता। अब सच्चाई क्या है फिलहाल ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।